आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग बिकॉज यू नो इंडियन कल्चर इज एनी वे नोन टू बी अ वेरी वेरी कलरफुल एंड अ वेरी वार्म कल्चर एंड प्रॉबली द ओल्डेस्ट कल्चर दैट एग्जिस्ट इन ऑन आवर प्लैनेट सो promoting it, although everybody knows about it, but people want to know more and more. And when you promote it, obviously you are giving so much more to the people who are seeking it. And I think it's a great platform. And yes. कल्चर की मैं बात करूं आपके शो में जिस तरह का बुक कल्चर की जानकारी देते हैं लोगों की तरफ और हर बार कुछ ना कुछ तो नया नया मैसेज होता ही है कितना कनेक्ट कर पाते हो आज का इवेंट और आपके शो वालों का बाकी देखिए हमारा शो जो है वो है तो वैसे फिक्शन है उसमें स्टोरी है उसमें कैरेक्टर्स हैं उसमें बहुत सारा ड्रामा है बट इन सब चीज़ों के होने के बावजूद जो एक हमारी मेन स्ट्रेंथ रही वो ये है कि हमारे शो के थ्रू हम लोग अपना कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं फेस्टिवल्स को प्रमोट करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ धारणाएं बन के रह गई थी बट लोगों को उसका मीनिंग पता नहीं था तो आज उसका मतलब भी समझ में आने लगा है तो फॉर द यंगर जनरेशन हु कुड नॉट कनेक्ट विद द कल्चर एंड द फेस्टिवल्स और द मीनिंग ऑफ द फेस्टिवल्स वो सब चीज़ें आज बहुत सारे लोगों को समझ में आने लगी थैंक्स टू आवर शो बिकॉज वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू डू दैट एंड इनफैक्ट वनराज शाह को जो प्यार मिलता है वो तो काफ़ी हाई रहता है वनराज शाह में आपके किरदार की मैं बात कर रहा हूँ कितना ब्लेस फील कर पा रहे हो एंड जब भी आप लाइक शूट के बाद कितना रियल लाइफ में वनराज शाह के किरदार को नहीं रियल लाइफ में वनराज शाह बिल्कुल भी वनराज शाह नहीं है वनराज शाह नहीं हूँ मैं बट एक सिमिलैरिटी है वनराज शाह जैसे अपनी फैमिली के लिए अपने घर के लिए जितना वो डेडिकेटेड है वैसे ही मैं भी रियल लाइफ में डेडिकेटेड हूँ आई थिंक दैट इज़ वन गुड क्वालिटी दैट आई हैव फ्रॉम वनराज शाह इसके अलावा बिग बॉस आपका फॉलो करता है कोई नहीं बिग बॉस मैं नहीं देखता हूँ इट्स नॉट माय काइंड ऑफ शो एट ऑल यू डोंट वॉच इट नो आई डोंट इनफैक्ट अभी हाल ही में एक केस अमिताभ बच्चन जी की लॉयर ने जीता है कि नो वन कैन मिमिक और टेक पिक्चर और एनीथिंग कितनी जो ये पर्सनैलिटी राइट्स की मैं बात कर रहा हूँ व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉल बिकॉज इस चीज़ का बहुत अंडियो एडवांटेज लिया जाता है मेरी फोटोग्राफ अगर कोई अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा है कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा है तो उसको मुझसे परमिशन लेनी चाहिए या फिर अगर वो कमर्शियल उसका गेन कर रहा है तो उसको डेफिनेटली एक शेयर उस इंसान को देना चाहिए जिसके बेस पे वो कर रहा है चीज़ें बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द पर्सन राइट बिकॉज आज बच्चन साहब जो हैं वो उनके पिछले 40-50 साल की मेहनत के बाद उनकी वो ब्रांड क्रिएट हुई है ही इज़ अ लेजेंड एंड आई डोंट थिंक एनीबडी शुड हैव द राइट टू मिसयूज़ हिज फोटोग्राफ्स और हिज वॉइस और एनीथिंग टू डू विद हिम यू नो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू